मुझ पर हक है ना तुम्हारा, इसलिए गुस्सा भी हो जाते हो। अगर मैं नाराज हो जाता हूँ तो तुम्हारे बस एक बार साईं कहने से मान जाता हूँ, लेकिन तुम नाराज होते हो तो मानते तक नहीं। तुम्हें मनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ करके देता हूँ फिर भी नाराज होते हो, रोज होते हो, खुद भी रोते हो और मुझे भी रुला देते हो। तुम्हारी आंखों में आंसू ना अच्छे लगते थे, ना अच्छे लगते हैं और ना ही कभी अच्छे लगेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ जो गलत हुआ वो मेरे कारण हुआ, तो मैं आज स्वीकार करता हूँ मेरी भूल। अब तुम मुझे एक मौका दो कि मैं अपनी भूल सुधार लूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी सवार दूँ। लेकिन ऐसे यूं बीच में निराश होकर, हताश होकर मत बैठो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हो, किस हद तक अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हो, लेकिन यहाँ भी मेरी लीला है। और अभी तुम देखो तुम्हें शिरडी से क्या मिलने वाला है, तुम देखते जाओ। तुम किसी से नहीं कहोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, पर वो तुम्हारे दरवाजे पर लाकर रखा होगा, तुम देख लेना। और आज मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ, तुम नया कुछ खरीदना चाहते हो, खरीदो, पर तुम्हारे पास जो पुरानी चीज़ें हैं ना, उन्हें भी तुम अच्छे से रखो। सामान को अच्छे से रखना भी एक कला है और एक आशीर्वाद है जो मैंने तुम्हें दिया है। अच्छे से रखो, संचय करोगे तभी तो समृद्ध भी बनोगे। और बात ऐसी है ना कि मैं चाहूँ तो अभी बस चुटकियों में सब बदल सकता हूँ, इस रात को दिन में भी बदल सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें किसी की नज़र लगे। बस इसलिए कुछ चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, पर जहाँ ज़रूरत होगी ना वहाँ तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। चकाचौंध भरी उस जिंदगी के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन मुझसे हमेशा जुड़े रहना, और यही शिरडी दरबार से तुम्हें बहुत आशीर्वाद मिलेगा। चाहे बात तुम्हारी नौकरी की हो या शादी की हो या आगे की जिंदगी की हो या बात पैसों की हो, सब मिलेगा तुम्हें यहीं से। और हाँ, मेरे कुछ बच्चों की ये बहुत बुरी आदत है कि वो हमेशा ये कहते हैं कि वो पैसों को कुछ नहीं समझते, धन तो आता जाता रहता है। ये लफ्ज़ तुम्हारे मुख से आखिरी बार निकला होना चाहिए। जितनी इज्जत तुम जिंदगी की करते हो, जितनी इज्जत तुम जिंदगी की अलग अलग चीज़ों की करते हो, उतनी ही इज्जत धन की भी करो, तभी तुम्हारी जिंदगी में बहुत बरकत होगी। तुम्हारे पास तो मेरे बहुत सारे सचरित्र पड़े हुए हैं ना, तुम जब तक चाहो उन्हें संभाल कर रखो, पर एक ना एक दिन उन्हें तुम उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें उनकी बहुत ज़रूरत है। तुम तो किसी एक ही पुस्तिका से मेरे बारे में पढ़ोगे ना, तो बाकी को मेरे भक्तों में बांटना, ताकि उन्हें भी मेरे बारे में जानने को मिले और उन पर कृपा भी हो। हमेशा खुश रहो।